Pichu. ये देखे काम लग चुका है फिर से। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? सब बढ़िया। तो गाइस, फिर से नए ब्लॉग के साथ मैं हूँ अमित तिवारी। तो गाइस, आज है मंडे और अभी सुबह सुबह उठ गया हूँ जल्दी और पोपी को स्कूल पहुँचा कर अभी तुरंत घर आया हूँ। तो पोपी का अभी रोने नहीं लगी है, अब रोती नहीं है, तो उसको इसलिए स्कूल में एंट्री करा के और उसके बाद हम और मेरे वाइफ घर आ गए। तो अभी हम लोग टिफिन के टाइम पर जाएंगे, क्योंकि टिफिन के टाइम पर अगर वो नहीं देखेगी तो रोएगी, तो इस कारण से अभी जाएंगे 10 बजे तक। तो फिलहाल आ गए घर, नाश्ता तो सुबह ही कर लिए थे। तो अभी फिलहाल गाड़ी जो है मेरी धूप में खड़ी है, तो उसको पहले से कवर हटा के और रात में भी चार्ज लगा हुआ था, तो उसको निकाल के फिर उसको छांव में कर देंगे। और एक बंधन का लोन भी मेरा चल रहा है, तो उसको भी पे करने जाना होगा, अभी सब नज़दीक में ही है। तो चलिए गाइस, ब्लॉग शुरू करते हैं। नया सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब सपोर्ट कीजिए। तो गाड़ी चार्ज हो चुकी है, अब प्लग आउट कर देंगे। ये देखिए काम लग चुका है फिर से। और ये सीट बैठ चुका है ऊपर, वो बोल रहे थे कि सीट बैठेगा, तो पाइप लगा के सीट बैठ गया है दोनों रूम में। बट ये एक है, साइड में थोड़ा सा गैपिंग है, इसको भर देंगे, फिलअप हो जाएगा। ये रूम बहुत कंप्लीट हो ही चुका है। तो खिड़की है, इधर गेट बनेगा, प्लास्टर होना बाकी है अभी। तो ये हमारा साइकिल खड़ा रखे हैं, काट बिन कौन लाइ। तो गाइस, टिफिन में आ चुके हैं स्कूल, पोपी का टिफिन हो भी चुका है और अभी वो क्लास में चल गई। तो अभी हम सोच रहे थोड़ा सा यहाँ घूम लेते हैं काशीपुर में, फिर 12 बजे छुट्टी होगा तो फिर लेकर चल जाएंगे। तो फिलहाल नाश्ता पानी हो गया, थोड़ा सा घूम लेते हैं यहाँ पे। तो गाइस, मोंडल दुकान से पैकेट दूध ले लिया, 2 पैकेट घर के लिए। छुट्टी हो गया है और पोपी लग चुका है तेजी से भूख। क्या खा रही है पोपी? इडली। कौन खरीद दिया? मामा की? मामा मम्मी। हे गाइस, तो फाइनली घर आ चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, तो घर आ चुके हैं। फिर दोबारा जाना पड़ा था, पहले पोपी को लेके स्कूल से लेके घर गए, उसके बाद तुरंत ही घर आकर एक बुकिंग मिला, तो फिर काशीपुर जाना पड़ा। तो फिर से काशीपुर गए और फिर घूम के आए। तो अभी बज रहे हैं 2:30, तो बहुत देरी हो गया और भूख भी बहुत कस के लगा है। तो फटाक से कुछ खाते हैं, आज नहाना तो हुआ नहीं, टाइम ही नहीं मिला, और अभी शाम को नहाएंगे तो फिर तबीयत बिगड़ जाएगा। तो इस चलते खाना खाते हैं फटाक से। हे गाइस, तो बज चुके हैं 6 और हम और तापस अभी जा रहे हैं काशीपुर की ओर, क्योंकि काशीपुर में एक काम है, वो है तापस का, मेरा नहीं, तापस का जो है फॉर्म फिलअप करना है, जो भी निकला हुआ है वैकेंसी, तो उसका लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए जा रहा है। तो हम भी चलते, साथ में चलते हैं और कुछ सामान वाम लेना होगा तो वो भी ले लेंगे, चलेंगे बाइक से। लेकिन अभी बाइक को निकाल नहीं पा रहे हैं, इसलिए बाहर बैठे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है एक गाड़ी पहले से इंटर कर चुका है, तो उसमें से ईंटा उतर रहा है। नहीं
रखती है मैंने। हे गाइस, तो फाइनली घर आ चुके हैं। अभी बज रहे हैं 8:15। हाँ, बहुत देरी हो गया, 2 घंटा 1.5 घंटा करीब हो गया। तो तापस अपना जो है फॉर्म अप्लाई कर रहा था, तो वो उसी में टाइम लग गया। तो फिलहाल अभी घर आ चुके हैं, और जो सामान लाना था वो है पुलाव का कुछ आइटम, जैसे कि बासमती चावल हो गया, काजू किशमिश और घी वगैरह जो है वो सब लाना था, तो वो सब लेके आ चुका हूँ। और फिलहाल बनने ही वाला है, मेरे लिए ही वेट हो रहा था। तो हम बनाएंगे, देखेंगे किस तरह से बनाया जाता, नहीं बनाया आपको भी दिखाएंगे। तो चलिए गाइस देखते हैं। तो कढ़ाई गर्म हो चुका है, इसमें चला गया घी, कुछ तेज पत्ते, इसमें चला गया काजू और किशमिश एक साथ में। इसमें चला गया बासमती चावल, तो भैया जी चावल जब इसको जब उबाले थे तो उस टाइम में इसमें लौंग इलायची और इलायची दालचीनी वगैरह भी इसमें उबाल लिए थे साथ में ही। अभी चीनी डाला जा रहा है, पीछे सब मिक्स कर लेंगे। ये देखिए रंग देखिए, ये बनकर तैयार है। ये देखिए अब इसे इसके साथ दम आलू खाएंगे। तो ये बन चुका है, ये गाइस तो फाइनली बनकर तैयार है पुलाव। बहुत ही टेस्टी है, मतलब खाए तो नहीं है लेकिन लग रहा है कि बहुत टेस्टी होगा। वैसे इसके हाथ का खाना तो बहुत ही टेस्टी होता है, तो अभी खाए नहीं है, खाएंगे उसके बाद बताएंगे कैसा है नहीं है। और पुलाव के साथ बन रहा है दम आलू जो बनकर रेडी है, तो उसको भी खाएंगे। तो जब खाएंगे तब दिखाएंगे टेस्ट कैसा नहीं है। तो अभी फिलहाल गाड़ी को चार्ज भी देना है, क्योंकि सुबह जल्दी जाना पड़ेगा, तो फिर चार्ज अभी नहीं देंगे तो फिर देर हो जाएगा। फिलहाल चार्ज देते हैं और सुबह खाएंगे पुलाव विद दम आलू। तो गाइज लग चुका है मेरे लिए मिष्टी पुलाव, देखिए साथ में दम आलू। तो गाइज सर चुका है थाली और अब खाने की बारी है, तो खाएंगे और टेस्ट बताएंगे कैसा है। तो लेते हैं एक बाइट। घी का फ्लेवर है साथ में काजू किशमिश दालचीनी, मीठा मीठा बहुत मस्त बना है। इस वक्त हो चला है 10 बज गए हैं, और खाना तो बहुत टेस्टी था, पुलाव बहुत ही टेस्टी, मतलब घी का सेंट और मतलब मीठा मीठा पुलाव बहुत टेस्ट लग रहा था। तो फिलहाल खाना खा लिए, अब पारी है सोने की, तो जल्दी सोना पड़ेगा क्योंकि सुबह स्कूल है पपी का फिर से, और मंगलवार है। तो कल सोच रहे बाइक से नहीं जाएंगे, टोटो से ही चल जाएंगे, क्योंकि टोटो ऐसे भी घर में रहता है तो उससे ले जाएंगे तो बेटर रहेगा, और कुछ इनकम भी हो जाएगा तो अच्छा ही है, निकलेंगे टोटो से। तो इसलिए जल्दी सोना ही पड़ेगा, बच चुके हैं 10। चलिए गाइस सोते हैं, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और भाई को सपोर्ट कीजिए। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं गाइस, टाटा बाय बाय।